बस लेना पड़ेगा गाइस, एक और कैमरा तो मुझे लेना पड़ेगा दोस्त। आई थिंक फोन में भी देखिएगा शायद लगा। ये मंगाना मतलब आलू पराठा तो मंगाना, उसके बाद दाल फ्राई। भाई बजट टचेज की ज़रूरत नहीं है अभी में। Hey guys, welcome back. तो आज मैं विलेज जा रहा हूँ। ओके 11, अभी मैं फुसते फुसते रात हो जाऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना विलेज। नहीं पता कब पहुँचेगा, बट रात हो जाएगा 110% पहुँचते पहुँचते। मैंने कुछ खाना ले लिया है, बस ATM में रुक के ATM पैसा निकलना है। भाई मेरे पास कैश ही नहीं है, रास्ते में कैसे चलेगा। हो चुका है सच में। ज़्यादा नहीं रुकूंगा मैं, एक बार इधर से देखो। खाने में क्या क्या मिलेगा? चिकन है, चिकन हाँ, नॉन वेज नहीं। क्या क्या है यार? चाउमीन होगा, फ्राइड राइस होगा। और फ्राइड राइस होगा, चाउमीन देना और पानी भी देना। आता हूँ, पानी देना। चाय है? चाय चाय देना और पानी देना। हाँ छोटा 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 ऐसा वाला छोटा। अभी ये बस जल्दी जल्दी खा के रेडबुल पी के हम निकलते थे। ठीक है, फुल लोड खर्च चुका है, देख सकते फुल लोड है। अभी थोड़ा सा पेट भर गया, मैंने चाउमीन खा लिया और कुछ नहीं था, मुझे राइस लेना था। पर इधर में चिकन मुझे चाहिए था, बट मछली था, बट नहीं है। ओ भाई शीत गर्म है भाई सब। उसमें निकल लेता हूँ भाई इसमें। अभी थोड़ा सा मेरा एनर्जी आ गया है, खा लिया ना। आज बिना खा के तो नहीं हो सकता। रेडबुल मैंने ख़त्म नहीं कर पाया तो मैं ऐसे लेकर जा रहा हूँ उसको, रास्ते में गाय भी पी लूँगा मैं रुक के। भाई थक गया मेरा यार, अभी से मैं थकना शुरू हो गया क्योंकि मैंने सुबह में कुछ खाया नहीं है ना, इसकी वजह से। अभी गुवाहाटी भी नहीं पूछा भाई, गुवाहाटी के लिए अभी 80-90 होगा। हमारे विलेज के लिए 300 किलोमीटर है, 310 किलोमीटर या 8 किलोमीटर है। मैं तो लादाख जाने वाला था, क्या करूँ अभी कैंसिल हो चुका है।
भाई मजा आ जाता ना, एडवेंचर भाई एडवेंचर। अरे यार मैं भूल गया यार, मेरा जो ट्राइपॉड है ना छोटा वाला वो लेकर आना भूल गया रे। टाइम बहुत हो चुका है, दो बज चुका है अभी, बहुत ही बोझते बोझते मैं रात हो जाऊंगा। नहीं बताओ कितने बजे पहुँचूँगा मुझे कोई आइडिया नहीं है, रात को 10 बजे भी पहुँच सकता हूँ मैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। सामान पैक करते करते भाई, सामान पैक करने में 2 घंटा तो लगा है शायद। मैंने GoPro में नया बैटरी लगाया है गाइस, GoPro में मैंने नया बैटरी लगाया है, तो क्या हो रहा है कि जब ऑन करता हूँ ना, जब बैटरी निकल के वो डलता है ना, जो ऑन नहीं होता, मुझे ये चार्जर है ना, चार्जर उसमें लगाना पड़ता है तो ऑन होता है, उसके बाद तो कंटिन्यूसली ऑन ही हो जाता है। आई डोंट नो क्या दिक्कत है। मैंने डिजिटेक का जो बैटरी लिया था अमेजोन से। ओ गाइस मैं तो ये बोलना भूल गया कि मेरा जो GoPro का जो एंगल है कैसा आ रहा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने नया सेटअप लगाया है मेरे हेलमेट में, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है तो कैसा आ रहा होगा एंगल, अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है मुझे नहीं पता। बट मैं अभी घर जाके मेरा GoPro का वीडियो फुटेज चेक करूँगा तो ये पता चलेगा अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, आराम से चलता हूँ मैं, आराम से वैसे पहुँच तो जाएगा ना, क्या दिक्कत है। बताओ ना ये क्या है, ऐसे देखो ना, ऐसा ना ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे ऐसे ना, अदा नो ये किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे ना, ये देखो जब भी मैं हाथ छोड़ता हूँ तो ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है कि मेरा बाइक का जो है ना, जो नाट लूज है, टायर का लूज नाट लूज ऐसा ना, ऐसे ऐसे देखो दिख रहा है, मैं हाथ नहीं छोड़ सकता। ये देखो 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 ये देखो देखो देख रहा है, ये किस चीज़ से होता है मुझे नहीं पता, आप लोग को उसके बारे में बताए तो बता देना। जब मैं हाथ छोड़ता हूँ देखो देखो ये देखो देखो ये देख रहा है, ऐसे 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 ना। आज तो बारिश तो नहीं हो रहा है, मार इतना खतरनाक डूब हो रहा है। अच्छा है लद्दाख जाना है तो अभी सही टाइम था, बट क्या हो गया रास्ता पूरा ख़त्म हो चुका है, अभी लद्दाख में एंटर होने का होना नहीं दे रहा है। मनाली में रास्ता ब्लॉक, कुल्लू में रास्ता ब्लॉक, ले लद्दाख रास्ता ब्लॉक, तो हम गाय से भी नहीं निकल सकता, मतलब सब में अभी ब्लॉक है। रोड में धूप की वजह से बहुत हीट होता है ना, गर्म होता है, उसके ऊपर आ रहा है, इसका धुआँ बहुत गर्म है भाई, भाई साहब इतना गर्मी, भाई साहब ऐसा लग रहा है सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा है। पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगा, अभी एक बज चुका है, लगता है 9 बजे 10 बजे में पहुँच जाएगा शायद, नहीं तो 8 बजे में पहुँच सकता है। तो गाइस मैं अभी गुवाहाटी पहुंच चुका हूं, अभी किलोमीटर इधर में लिखा नहीं है, आई डोंट नो क्या हो गया गूगल मैप को, अगर मैंने अपडेट करना भूल गया शायद, लग रहा है 4 आवर्स लग रहा है फुलबारी तक के लिए, किलोमीटर लिख के नहीं आ रहा है दोनों, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है, देखो ये गाड़ी को देखो, एक तो मिडल में चला हुआ है, मेरे को नहीं दिख रहा है इधर से, मेरे को नहीं दिख रहा है इस तरफ से गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरे को ऐसे दिखना पड़ रहा है ऐसे घूम के, देखो जो इस साइड से चलना चाहता ना, ऐसे चलना चाहता ना उसको, पर वो क्या करता है सही सीधा मिडल में चलता है, देखो देखो ये मिडल में चलता है, और इस तरफ देखो बहुत रास्ता है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है, क्रॉस उबलटे करने में भी बहुत मुश्किल होता है। ये ऐसे ड्राइवर की वजह से, और बोल लो एक्सीडेंट भी होता है। अभी मैं राजापुरा में पहुंच चुका हूं, एंड अभी मैं खाना खाने वाला हूं, मैंने ऑर्डर किया है चिकन एंड आलू पराठा, बस मैंने कहा अभी जल्दी से जल्दी निकल जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये GoPro का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार मुझे निकाल के बैटरी निकाल के डालना पड़ रहा है, हैंग हो रहा है, आई डोंट नो ये गर्म होने की वजह से हो रहा होगा। तो गाइस मैंने चिकन ऑर्डर किया है एंड आलू पराठा, ये सबसे एकदम बेस्ट है, जब भी आप ट्रैवल करेंगे ना यही मंगाना, मतलब
आलू पराठा तो मंगाना, उसके बाद दाल फ्राई और अचार। मैंने बस चिकन मंगाया। अभी मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ ना, बस मैं बजट में होता तो मैं बस आलू पराठा एंड दाल फ्राई मंगा लेता, बट अभी तो भाई बजट टजट की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं घर जा रहा हूँ बस। मेरा ना गूगल मैप किलोमीटर नहीं दिख रहा था, अभी मैंने वापस डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया। 131 किलोमीटर अभी है राजा बारा टू फुलबारी और टिकरी गला तो अभी चिबनंग किलोमीटर अभी 21 है, मतलब टोटल मिला के 150 किलोमीटर अभी है। अभी मैं आगिया पहुंच चुका हूं, अभी किलोमीटर 84 अभी भी है आगिया टू टिकरी किला, बहुत दूर है भाई। सुबह में थोड़ा सा मुझे चक्कर आ गया था क्योंकि मैंने सुबह कुछ भी नहीं खाया था ना, तो इसकी वजह से थोड़ा मुझे सुबह में चक्कर आना शुरू हो गया था। ये देखो बहुत सुंदर है ना, देखो भाई पहुँचने वाला है बस। अभी किलोमीटर कितना बचा हुआ है, 48 किलोमीटर, नहीं 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 50 से ज़्यादा है, मतलब 60 किलोमीटर अभी ज़्यादा, 62 समथिंग किलोमीटर अभी बचा हुआ है। या भाई अकेला होता तो क्या दिक्कत है, फोटो लेने के लिए कोई भी नहीं होता। मेरे पास अभी ट्राइपॉड भी नहीं है, इधर मैं ट्राइपॉड लेकर आया, बट छोटा वाला नहीं है, ट्राइपॉड वाला नहीं है अभी भाई, मुश्किल है। अकेला घूमेगा ना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल वो होता है, आपको वीडियो लेने वाला नहीं होता एंड आपको फोटो लेने वाला नहीं होता। जो अभी देखो मैं इधर में खड़ा होता और किसी और फोटो लेता तो अच्छा आ जाता और उसको मैं थंबनेल में यूज़ कर सकता था। तो गाइस मैं टिकट क्लब पहुंच चुका हूं, टिकट क्लब पहुंचते पहुंचते रात भी हो गया। ये टिकट क्लब बाजार आज 23 किलोमीटर दिखा रहा है बट इतना नहीं है, 21 किलोमीटर है। गूगल मैप पे कभी कभी छूट बोल जाता है। फाइनली 7:18
7:18 में हम लोग अभी पहुंच चुका है, अभी मैं अभी पहुंच चुका हूँ चिबीनाम। ये हमारा बाजार, हमारा बाजार का ब्रिज, तो फाइनली पहुंच चुका हूँ। इधर से भी मुझे और लंबा रास्ता जाना है, 12 किलोमीटर। ये है हमारा बाजार, चिबीनाम बाजार। खाना खाने वाला हूँ, अंडा बिहने पकाया और दाल। बहुत बस खाने में यही है, बस कुछ नहीं है। अंडा, चावल, पोक। अभी वो रात में नहाया ना, इसकी वजह से अभी मुझे साइनस हो गया। इतना गर्मी में भी साइनस, ये तो भाई नहीं छूटेगा। तो गाइस ये है जो ये इको, ये मेरा रूम। तो इधर में यह मेरा एकदम सस्ता सा स्टूडियो, इधर में ऐसे लगाए गए उसको। इको बहुत बड़ा है बट ये तो काफ़ी नहीं है, फिर भी चलेगा थोड़ा सा ना। एंड यह अपना वो राउटर, UPS खरे नहीं है तो इधर में 6 है। एंड ये एंटीना, ये क्लिप्स, ये है राउटर का एंटीना, ये राउटर का एंटीना है। तो ये अभी मेरे पास अभी एक ही एंटीना है, ये जिन दिख रहा है ना, ये एक ही एंटीना। अभी 2 एंटीना हो जाएगा, मतलब और भी इधर में थावर आएगा, स्टिक आएगा। एंड मेरा अपलोड करने का इंटरनेट सब एकदम आसान हो जाएगा। ये इसका केबल एंड ये जो स्टूडियो की रिफ्लेक्शन के लिए। अपनी यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में। खरेन नहीं है गाइस, इधर में ये गाँव है ना, विलेज में यही हाल होता है। एंड करेन कब आएगा मुझे नहीं पता, बट इंटरनेट है, सही है, कोई बात नहीं। इंटरनेट तो मुझे चाहिए एंड करेंट भी चाहिए, मोबाइल चार्ज नहीं है मेरा, समझ रहे हो।